नमस्कार। ये लगभग 67 वर्षीय व्यक्ति का काम है। इन्होंने एक भी सिंगल प्रश्न मुझसे नहीं किया है, केवल अपना हाथ भेजा है और ये चाहते हैं कि मैं प्रश्न नहीं करूँगा, आप जो भी है आप स्वयं से देख के बताएं। चलिए, ये अपने आप में एक क्या होता है, एक प्रश्न मिलने के बाद में आदमी का एक फ्रेम तैयार होता है कि हाँ, मुझे इस पर्टिकुलर बिंदु पर सोचना है। जब वो प्रश्न नहीं होता तो हाथ अपने आप में एक बहुत संपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको हम आधे घंटे की वीडियो में रीडिंग करके देते हैं। तो जब प्रश्न नहीं होता है तो चीज़ें थोड़ी सी कठिनाई होती हैं समझने में या बोलने में। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लाइफ में जो भी मेजर हाइलाइट्स थे और आगे होंगे उन पर बात ज़रूर करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्ध की उंगली की, तो एक नज़र में अगर मैं बोलूँ आपका हाथ धन दौलत के लिए, आराम भरा जीवन के लिए, सुखों के लिए, लग्जरीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ईश्वर ने सब चीज़ दिया किंतु उस सुख में, या बोलो उस सुख के जो दूध एक पात्र में भरा था उसमें हल्का सा नींबू भी डाल दिया है, वो नींबू आपके पारिवारिक जीवन को लेकर है। ठीक है, आपको धन दौलत सारी चीज़ें ईश्वर ने दी, उसको सुख भोगने का मौका भी दिया, किंतु आपको पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा खटास जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बुद्ध पे बात करते हैं। बुद्ध की उंगली आपके फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, बहुत अच्छी, श्रेष्ठ कंडीशन में। जब ऐसी उंगली हो तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, वाक शक्ति, अपने शब्दों को दूसरे तक अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल, कहने का मतलब समझा पाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ में देखने को मिलती हैं। और जब ये अंगूठा इतना लंबा हो, काफ़ी लंबा अंगूठा है, देखिए इनके हाथ में शुक्र पर्वत भी एकदम ज़बरदस्त है और अंगूठा भी बहुत लंबा अंगूठा है, और उसके साथ में ये स्थिति बने तो ऐसा इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता, इसके पास में धन दौलत की कमी नहीं होगी, ये फिक्स करता है ये बुध और शुक्र दोनों मिलकर। तो बहुत अच्छी स्थिति में है, धन दौलत की स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी आपकी, और उस धन दौलत का भरपूर उपभोग भी कर पाएंगे आप। हाँ, जो चीज़ें मैंने कही हैं, जो नींबू वाली बात कही है, जो खटास बात कही है, उस पर मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो चर्चा करूँगा। बाकी देखिए, सूर्य की उंगली बुध की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है फ़ोटो पर। अब एंगल फ़ोटो का इस कदर लिया गया है कि ये उंगली थोड़ी नीचे जा रही है, ये आपने उठा रखी है, तो देखिएगा अगर मैं स्थिति बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उंगली लंबी है कहीं ना कहीं। सूर्य की उंगली हल्की लंबी होने से ऐसे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा होता है, ऐसे लोग लाइफ में रिस्क लेके आगे बढ़ने की एबिलिटी इनके अंदर में अच्छी होती है, रिस्क टेकिंग नेचर इनका होता है, तो ये अच्छा बात भी है। और मंगल भी आपके हाथ में बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो पुरुषार्थ भी आपके अंदर में कूट कूट कर भरा है, तो जब ये साहस है और ये एबिलिटी है रिस्क लेने की, आगे बढ़ने की, तो ऐसे लोग रिस्क लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये भी स्थिति बहुत अच्छी आपकी बनती हुई दिखाई देती है। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, ये गैप बनना, ये कहीं ना कहीं ये स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है जो माँ बाप की सेवा करने का इनको अवसर नहीं मिल पाता, मलाल एक रह जाता है, चाहते तो हैं ठीक है, लेकिन वो चाहकर भी वो सेवा करने का अवसर इन लोग को नहीं मिल पाता, कारण परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए, आपके हार्ट लाइन पर ये नीचे जाती रेखाएं यहाँ पे ये बताती हैं माता पिता की सेवा करने का भाव को, तो भाव तो है आपके में, इमोशनली आप सोचते हैं, आपके अंदर में भाव है, लेकिन हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट हो रही हैं जिसके कारण से माता पिता से दूरी, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे आपका रोजगार का हो, व्यवसाय का हो, चाहे कोई भी कारण हो, उसके कारण से दूरियां बन जाती है, तो आदमी ऐसा उनको मलाल रह जाता है, ये एक यहाँ से शब्द निकल के आता है। दूसरा चीज़ देखेंगे, शनि की उंगली अगर देखूँ स्पष्ट सीधी खड़ी है, तो ऐसे लोग देखो स्पष्ट वक्ता होते हैं, न केवल स्पष्ट वक्ता बल्कि सुनना और करना दोनों चीज़ इनको अपने हिसाब से चाहिए होता है, तो थोड़ा सा वाणी, अब यहाँ पे वाणी भी आपको सपोर्ट करती है, तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, या छोटी होती तो मैं बोलता कि नहीं थोड़ा रूड बोलते हो, नहीं आपको डिप्लोमेटिक, आप काफ़ी डिप्लोमेटिक हो, और शनि सीधा होने के कारण से ये आपको उस एंगल पे लेके जाता है, ऐसा इंसान बहुत डिप्लोमेटिक हो जाता है, इसको पता होता है कौन से अवसर पर किसके सामने क्या बात करना है, कैसे कार्य सिद्ध करना है, इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ठीक है, तो परिस्थितियों के हिसाब से अपनी वाणी को ढाल लेने की क्षमता इनके अंदर ज़बरदस्त देखी जाएगी।
वैसे ही अगर हम गुरु की बात कर लें तो गुरु की उंगली जब शनि की उंगली के साइड बेंड हो या टिल्ट हो या झुक जाए तो ऐसे लोग धार्मिकता, मानवतावादी सोच, दूसरे की भलाई का गुण ऐसे लोगों के अंदर में देखा जाता है। ऐसे लोग जो है परोपकारी होते हैं। और जब हार्ट लाइन भी आप देखो, हार्ट लाइन भी इनकी गुरु तक जारी है पूरी तरीके से, तो अपने साथ साथ दूसरों को लेकर भी आगे चलना, अपने परिवार वालों का भरपूर मदद करना, अपने यानी साथ में जो भी कनेक्टेड व्यक्ति हैं जीवन में उनके लिए भी आगे सोचना, उनके लिए भी भलाई का कार्य करना, परिवार के लिए कार्य करना, ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी स्थिति है। दूसरी चीज़ धार्मिकता के बारे में भी यहाँ से बात की जाती है, तो धार्मिक होते हैं। देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको पॉजिटिव बना रही है आपके हाथ में, जो चीज़ निगेटिव जनरली कनेक्ट होती है यहाँ पे, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव बन रही है। जब ये उंगली शनि के साथ में ऐसा मिले तो ये क्या बताती है, ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं बड़ी उत्सुकता से स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे कार्य में आगे बढ़ते हैं ना, उनके अंदर में वो गंभीरता कम होते जाती है सॉरी तो ये गुण देखा जाता है। लेकिन आपके साथ में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि 35 के पहले, 35 के पहले ये अगर आप कोई बिजनेस करते रहे होंगे या जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा वहाँ पर ये चीज़ें आपको परेशान करती रही होंगी, लेकिन 35 के बाद में आपको माइंड लाइन बहुत अच्छी है, ये आपको मदद करती होगी। ठीक है, दोनों टाइप का गुण दिखाया। बाकी अंगूठे का तो मैं पहले ही बोला, बहुत लंबा अंगूठा है, ये अथॉरिटी पावर को बताता है। और साथ में देखो ये बहुत बड़ा यव चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, यव चिन्ह इतना लंबा बन रहा है मतलब कि ये इनको अच्छा, इनके हाथ में दो तीन चीज़ें हैं जो स्पेशल हैं। चूँकि इन्होंने कोई भी हिंट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं यहाँ से इस यव के माध्यम से। एक तो ये यव चिन्ह अभी जिस हिसाब से चित्र है मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यव चिन्ह बना हुआ है, लेकिन इसको आप कन्फर्म कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चित्र में मुझे इतना ही दिख पा रहा है, इतना ही, ये आगे का एंगल भी जाके जुड़ा होगा ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये यव चिन्ह कंप्लीशन में पूरी तरीके से दिखता है और काफ़ी बड़ा यव चिन्ह है, काफ़ी बड़ा। जब इस टाइप का यव चिन्ह बने तो यव चिन्ह सबसे पहले मैं जिस एंगल पे जोड़ना चाहता हूँ आपको वो बता रहा हूँ। ऐसे लोगों का पूर्वानुमान, पूर्वाभास करने की क्षमता, इंट्यूशन जो होता है, यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाली स्थिति है उसको भांप लेने की काबिलियत इनके अंदर में बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। इनको अपशगुन और शगुन दोनों चीज़ों का हिंट शरीर इनको ये कोई भी माध्यम से देता है, इनकी आत्मा इनको महसूस कराती है। एक हो गया, अब आत्मा महसूस कराती है, ये शब्द मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ यव चिन्ह के लिए, इनके साथ में ऐसा क्यों होता है ये इस कारण से। तो इस कारण क्या है यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। जब कभी भी हृदय रेखा से, हृदय रेखा गुरु वलय से कनेक्टेड हो जाए, यहाँ से भी देख लो ये भी कनेक्टेड है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से हृदय रेखा से एक गया यहाँ पे, और ये हृदय रेखा की शाखा जब यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, ये बहुत ख़ास होता है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जिसके में बने और साथ में अंगूठे पर यह चिन्ह बने, तो ऐसे इंसान के पास में इंट्यूशन एबिलिटी होती है। इंट्यूशन की एबिलिटी कहने का मतलब अंतर्ज्ञान मिलता है इनको, चाहे ये कुछ भी हो। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, भगवान को, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, या अगर पूजा पाठ घंटों बैठ कर ना भी करें लेकिन इनकी जो ये मन में जितनी अच्छे से ईश्वर से कनेक्ट होंगे उतना शायद डेली दो घंटे बैठ कर पाठ करने वाला भी ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता, ये खास चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों के जुबान में एक पावर होती है, ये किसी को अच्छा कहें तो अच्छा और किसी को बुरा कहें तो बुरा, ये लग जाता है, इनके जुबान में वो ताकत होती है। तो इसको आप पॉजिटिव रूप में यूज करें, ईश्वर से कनेक्ट हों अपने आप को, अगर नहीं करते हैं तो होना चाहिए आपको कनेक्ट, आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको ईश्वर मार्गदर्शन करेगा आपकी विपरीत परिस्थितियों में, ये ऐसा इंडिकेशन है, अच्छी स्थिति है। ठीक है, बहुत ख़ास है ये बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है ये चिन्ह। ठीक है, चलिए बाकी अंगूठे पर हम चर्चा कर रहे थे। तो अंगूठा आप देखेंगे तो आपके हाथ के हिसाब से आपका जो अंगूठा है वो कुछ पतला है यहाँ पे, तो ऐसे लोगों का बार्गेनिंग पावर अच्छा नहीं होता। कहने की बात, अपने हित की रक्षा इन लोग नहीं कर पाते, ये दूसरों पे इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। एक कनेक्शन बना इनके हाथ में, ये भी बता दूँ। देखिए, जब कभी भी हार्ट लाइन की शाखा जाके जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ में मिलने लग जाए, ऐसी स्थिति, ठीक है, और अंगूठे का ये हिस्सा पतला हो जाए, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है,
ये अपने आप में बताता है बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होना, और ये बताता है दूसरे पे जाके डिपेंड होना, दूसरे को अपने आप को सुपुर्द कर देना, अपने जीवन के फैसले कोई दूसरे लेने लग जाए या दूसरे के भरोसे आप अपने जीवन के फैसले लेने लग जाएं, किसी को इतना ज़्यादा अपना मान लें कि उस पर अंधा विश्वास करने लग जाएं, ये उस स्थिति को भी बताता है। एक और स्थिति है, ठीक है, तो उसके कारण से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा मैं इसको। आप अपने आप को किसी के प्रति इतना भी सुपुर्द ना कीजिए, अपने आप को किसी के प्रति इतना भी समर्पित मत कर दीजिए कि हो सकता है कोई आदमी आपका मिसयूज करे। ऐसे लोग जीवन में बार बार धोखा खाते हैं। अब धोखा खाते हैं इसका दो सेंस हो सकता है। जैसे मान लो एक एंगल लेता हूँ मैं, ठीक है, समझाने के लिए, जैसे जो आपके हाथ में ज़्यादा दिखता है मुझे, आपके हाथ में शुक्र बहुत प्रभावी है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है शुक्र, ठीक है। और उस स्थिति में एक स्थिति यहाँ बनी, अंगूठे का ये हिस्सा पतला है और शुक्र पूरी चंद्रमा को कवर कर रहा है, चंद्रमा के ऊपर जाके लटक रहा है। अब इसकी स्थिति, एक और स्थिति इस पर भी चर्चा करी दूँ मैं, जब जीवन रेखा का घेराव चंद्रमा तक ऐसे जाके पहुँचने लग जाए तो ये शुक्र चंद्र युति कहला जाती है। यहाँ पे शुक्र चंद्र की युति का फल मिलने लगता है ऐसे लोगों को। क्या फल मिलता है? शुक्र आपकी पत्नी है तो चंद्र आपकी माता है, और पत्नी और माता के बीच में इंसान झूलते रहता है, तो ऐसे लोगों को सास बहू का झमेला, अगर ये मर्द है तो सास बहू का झमेला झेलना ही पड़ेगा इसको। अब स्त्री है तो उस हिसाब से सोच लो आप, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बोला। तो ऐसे लोगों को सास बहू का झमेला बहुत प्रभावी रूप से झेलना पड़ता है, थोड़ी मोड़ी स्थिति में नहीं। तो ये स्थिति भी आपके हाथ में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अब इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि पत्नी प्रभावी है, चंद्रमा पे पत्नी प्रभावी है और आपने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, और फिर उसके कहने के हिसाब से अपने जीवन का फैसला लेते हैं आप। कहने का मतलब ये स्थिति, हंसने वाली बातें कह रहा हूँ मैं आपको मजाकिया तौर पर, ये ऐसे लोग थोड़े से जोरू के गुलाम हो जाते हैं, या फिर बोलोगी पत्नी पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंस में चलने लग जाते हैं, ऐसी थोड़ी सी स्थिति बन सकती है, ठीक है। तो इसको चूँकि आपके लिए वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बेशक आपका शुक्र अच्छा है, मतलब आपको ससुराल से लाभ मिलेगा, ससुराल पैसे वाला मिलेगा, पत्नी से लाभ मिलेगा, पत्नी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, सारी स्थितियाँ अच्छी हैं, ठीक है ना। लेकिन उस पत्नी अच्छी मिलेगी, वो पत्नी आपकी माता के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, या माता, उस पत्नी के कारण से माता पे कुछ ना कुछ असर आपको जीवन में देखने को मिल सकता है, ये स्थिति बन रही है यहाँ पे। हालांकि पत्नी आपके इंडिविजुअल के लिए बोलूँ, पत्नी अच्छी है, पत्नी का आपको जीवन में सहयोग मिलेगा, पत्नी की बात आप मानकर कुछ भी डील किए होंगे आपको लाभ हुआ होगा, तो उसी मात्रा में हानि भी हुई होगी। कोई कोई एज है जहाँ पे मैं बताऊँगा आपको नुकसान भी देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें यहाँ से जनरेट हो रही थी स्थितियाँ, वो मैंने आपको बताया। बाकी देखिए, अंगूठे का फर्स्ट फेलन देखिए और सेकंड फेलन, दोनों फेलन देखिए। फर्स्ट फेलन तो काफ़ी अच्छा नुकीला है और कार्य के प्रति जिद अच्छी है, विल पावर स्ट्रांग है आपका, मंगल उसके लिए देखना चाहिए, तो मंगल भी अच्छा है, तो आपने साहस भी है और कार्य के प्रति जिद भी है, जिद और साहस दोनों मिला के आपने रिस्क टेकिंग नेचर अपनाया और आपने जीवन में सफल हुए, ये आपकी स्टोरी हुई। वैसे ही आपका अगर हम ये निचला हिस्सा देखें तो तर्क शक्ति भी अच्छी खासी है। तर्क शक्ति अच्छा होने का मतलब ऐसे लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव बातें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव गिर रही है। ये हालांकि आप तार्किक हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं आप, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद जहाँ डिसीजन की बात आती है आपका जी घबराने लगता है, आपको समझ में नहीं आने लगता है, आप इन्फ्लुएंसर खोजने लगते हैं, और आप पत्नी की बात पर आते होंगे या किसी अपोजिट जेंडर की बात को ज़्यादा महत्व देते होंगे, चाहे बिटिया हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस पर आप ज़्यादा आते होंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। उसके कारण से आपको लाभ ज़रूर मिलता होगा, शुक्र आपका प्रभावी है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब जीवन रेखा पर ऐसी स्थिति बनने लग जाए ना, देखो ये डाउनवर्ड जाने वाली लाइनें, ये आपको नुकसान का पीरियड है, यहाँ पे आदमी को नुकसान होता है, ठीक है, वो धन का हो चाहे इमोशनली नुकसान हो, उस फैसले पर डिपेंड करता है, वो फैसला धन से संबंधित था या फिर किसी और चीज़ से संबंधित था, उससे संबंधित फैसलों पर कभी कभी नुकसान भी देखने को मिलता है। तो अपने फैसले आप कोशिश कीजिए स्वयं लेने का, वो ज़्यादा सही है, मैं यही कहूँगा आपको। बाकी ठीक है, बुरा नहीं है, पत्नी का भी, क्योंकि शुक्र अच्छा है तो पत्नी का भी फैसला आपको मायूस नहीं करेगा, आपके लिए शुभ ही फल देने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक जहाँ पे चीज़ें ऐसी जनरेट हों, स्थितियाँ आपको स्वयं चूज़ करनी पड़ेंगी, जहाँ पे आपके फैसले की अहमियत है वहाँ पे आपको अपने ही फैसले लेना चाहिए, वहाँ पे आप अपनी पत्नी या फिर अपने बच्चों को या फिर कोई भी स्त्री पक्ष को इन्वॉल्व करने की तरफ में मत जाइएगा, ठीक है।
कुछ फैसले ऐसे जीवन में आते हैं जहाँ पे स्वयं के फैसले लेने पड़ते हैं, उस पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी धन संबंधी मैटर के लिए मैं आपको बिल्कुल कहूँगा नुकसान होने वाली कंडीशन नहीं है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। बल्कि मैं ये भी देख पा रहा हूँ विवाह के बाद से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति बन रही है, क्योंकि आपका शुक्र पर्वत इतना अच्छा सुंदर कंडीशन में उभार लिया हुआ है और विवाह की ये जो रेखा यहाँ अटैचमेंट कराई है आपका, उसके बाद से आपकी भाग्य रेखा भी चंद्रमा से उदित है, तो ये भी बताती है कि विवाह के बाद से ऐसे लोगों का भाग्योदय की स्थिति बनता है, ठीक है। अब अंगूठे पर एक नेगेटिव साइन यहाँ पे एक और भी है, वो भी चर्चा कर लें। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इतनी अच्छी स्थिति होने के बाद में देखो अब ये क्या कराएगी। ये अंगूठे पर हड्डी निकल गई, अंगूठे पर इस टाइप की हड्डी निकलने लगे तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती है। अब ये क्या कराती है, ये आप मान के चल लो कि आपका 42 साल के पहले आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको अपने प्रयत्नों का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि आपके पैर पर किसी ने जंजीर बांध दिया है और आप दौड़ रहे हैं उसके भार को लेकर। काबिलियत होने का बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आप डिज़र्व करते थे, ये ऐसी स्थिति जनरेट करेगी 42 साल तक। लेकिन ज़रूर 42 साल के बाद में जैसे जंजीर छूटेगी, आपको बोझ लेके दौड़ने की आदत हो गई थी इसीलिए आप तेज़ दौड़ोगे। कहने का मतलब 42 के बाद में आपके जीवन में बहुत रफ्तार आएगा धन के मामले में, आपका जो भी अटका हुआ रुका हुआ प्रोग्रेस था वो आपको बिल्कुल द्विगुणित होकर मिलेगा 42 के बाद में, ऐसी स्थिति आपके हाथ में बन रही है, वो भी मैं भाग्य रेखा पे चर्चा करूँगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं आपके पर्वतों पर। सबसे पहले बुध का पर्वत देखो, बुध का पर्वत ये ऐसी लकीरें बन रही हैं यहाँ पे खड़ी खड़ी और भी हैं, तो ये आदमी के अंदर में व्यापारिक समझ को बताता है, ऐसे लोग सेल्स मार्केटिंग के अच्छे जानकार होते हैं। चूँकि बुध की उंगली एंटीना भी काफ़ी लंबा है तो ऐसे लोगों का वाक शक्ति कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा जॉब करें जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या ऐसा कोई बिजनेस हो या जिसमें बोलकर धन कमाने वाली स्थिति, वो चीज़ें आपको ज़्यादा फेवर कर सकती है। मुझे नहीं पता आपका प्रोफाइल, आपने कोई भी डिस्कस नहीं किया है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा आप मार्ग में ज़रूर जुड़े हैं जो कहने का मतलब बुद्ध से रिलेटेड ज़्यादा मेरे को समझ में आ रहा था आपका फील्ड। चलिए छोड़ देते हैं अभी उस पर, मैं ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि अभी मैं कुछ भी फील्ड बताऊंगा मैच नहीं होगा तो आपका ध्यान वहीं पे जाएगा जहाँ पे मैंने मैच नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य पे रेखाएँ अच्छी हैं, एक दो, ठीक है, दो रेखाएँ और ये इसको चलो इसको तीसरी मान लेते हैं, तो मल्टीपल रेखाएँ हैं सूर्य पर। ये आपको बताती कि ऐसे लोग बहुत बहुप्रतिभा के धनी होते हैं, बहुत सारा कला के जानकार होते हैं इनका जो, ये देखो ऐसे लोग बहुत दूर दूर की यात्रा करते हैं और दूर दूर की यात्रा करने से इनको ज़्यादा लाभ नहीं होता है, उनसे यात्राओं से कभी कभी हानियां भी हो जाती हैं, ये भी स्थिति यहाँ पे बनती है। या फिर बोलो कि घर के पास में रह के तो इनका माता पिता से दूरी इनको बनाना है, ये तीन चार रेखाएं यहाँ पे जब बने ना तो ऐसे लोग माता पिता से दूरी को बताता है, कोई भी कारण से माता पिता के नज़दीक नहीं जा पाते हैं लोग, ये भी स्थिति है। देखो यही चीज़ यहाँ पे भी इंडिकेट हो रही थी, है ना, तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ इनको बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत सारी प्रतिभा होती है, तो इनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं इस लाइन में काम करूँ कि इस लाइन में काम करूँ कि इस लाइन में काम करूँ, इसको लेकर ये थोड़े पजल्ड हमेशा रहते हैं। कहने का मतलब जहाँ पे एक फोकस, एक लाइन रहने से फोकस अच्छा होता है कार्य पे, अपने जो एम पे, अब बहुत सारी लकीरें होती हैं ना तो वो एक दूसरे को बाधित करने लगती है, तो ऐसे लोगों का फोकस काम के प्रति थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। हमेशा किसी न किसी को एक गाइडेंस के रूप में लोग खोजते हैं या गाइड लेने की कोशिश करते हैं जहाँ डिसीजन की बात आती है, और आपके लिए तो ये ज़्यादा ही मारक बन रही है यहाँ पे। तो ऐसे समय में आप जहाँ पे फंसते हो, जहाँ पे लगता है दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप सुपुर्द हो जाते हो जिसको भी आप मानते हो, चाहे पत्नी को मानो चाहे किसी को भी मानो, आप अपने आप को सुपुर्द कर देते हो कि भाई अभी आप ही बताओ। तो हालांकि शुक्र अच्छा है तो आपको फेवर भी मिल रहा होगा, ऐसी स्थिति बनी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कुछ स्थितियाँ यहाँ पे अच्छी स्थिति अभी प्रेजेंट की, क्योंकि ये स्थितियाँ देखो, ये सूर्य की रेखा है, ठीक है, एक रेखा यहाँ पे काटी, एक रेखा यहाँ पे काटी नहीं, एक दूसरे को ज्वाइंट किए, ऊपर में भी बना, नीचे में भी बना। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी ऐसी स्थिति बनने लग जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, मैं आपको वार्निंग के रूप में इसको बोल रहा हूँ। जब ऊपर में भी बनने लगता है ना तो ऐसे लोगों का अपने कार्य क्षेत्र पे, अपने व्यवसाय पे परिस्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी नहीं चलती, थोड़ी परेशानी भरी
कुछ ना कुछ एक परेशानी जीवन में आने लगता है, कोई ना कोई टांग खींचने वाला, काम बिगाड़ने वाला मिलता है, पार्टनर है तो पार्टनर धोखा देने लगता है। अभी ये बना है तो करंट समय में ऐसा कुछ कहानी हो सकता है या हो रहा होगा, ठीक है। अब ये बन रहा है इसका मतलब हो सकता है बिजनेस में भी कुछ परेशानी चल रही होगी, या आप जॉब करते हैं वहाँ परेशानी चल रही होगी। अभी आप तो रिटायर्ड पर्सन हैं तो समझ लीजिए कि अपने ये हम लोग का निचला हिस्सा जो है ना परिवार को बताता है, आपका अपना परिवार, और ये आपका सामाजिक यानी कि परिवार के बाहर में जो आपकी छवि है उसको, तो आपकी बाहर में छवि बिगड़ेगी या बाहरी लोगों के कारण से आपकी छवि या आपको परेशानी आएगी, वैसे ही ये घर में घर के लोगों में के कारण से आपको परेशानी आएगी या घर में आपकी छवि बिगड़ेगी, यानी कि ये आपका पारिवारिक माहौल है, कुल कुटुंब का जो माहौल है उसमें अभी तनातन स्थिति चल रही होगी, पारिवारिक रूप से आप परेशान होंगे, वैसे ही परेशानियाँ आपको आपके कार्यक्षेत्र में भी चल रही होगी। तो अभी आपका जो पीरियड है मुझे कुछ परेशानी भरा लगता है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अभी अगर नहीं है तो आने ही वाली है ये स्थिति, ठीक है, तो थोड़ा इसको सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी देखिए सूर्य का पर्वत अच्छा था, आपका पर्वत में कोई परेशानी नहीं, पर्वत सही था, एक उभार यहाँ पे है, तो ऐसे लोगों को अपनी प्रशंसा अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, ये जो उभार बुध और सूर्य के बीच में आने लगा तो अपनी प्रशंसा इनको प्रिय होती है, प्रशंसा सुनने के बाद में वो होता है कई लोगों को आता, तब इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलूँगा। बाकी शनि बहुत फ्लैट है, बहुत मेहनती है, स्वभाव से मेहनत का गुण आपके में कूट कूट कर भरा है, ऐसे लोग बहुत मेहनती स्वभाव के होते हैं, मैंने पहले ही कहा कार्य के प्रति जिद, अंगूठे का फर्स्ट बैलेंस पे, तो कार्य के प्रति जिद भी है, साहस भी है और जिद यहाँ पे मेहनत भी है, तो सफल आप जरूर होंगे, जब ये तीनों चीज़ें मिले तो इंसान सफल होना तय है, ठीक है। वैसे ही आप देखेंगे गुरु पर, अब देखिए गुरु का जो पर्वत है आपका, तो गुरु का पर्वत है तो छोटा लेकिन ख़राब नहीं है, पर्वत छोटा है, अपने चाचा मामा ये जो रिश्तेदार हैं ना इनसे ये दूर में जाकर बसते हैं, दूर में जाकर रहना इनको पसंद आता है, या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है चाहे चाह के चाहे ना चाह के, ये ऐसी स्थिति बनती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उनसे इनको हेल्प तो नहीं मिलता लेकिन परेशानियाँ इनको जीवन में मिल जाती हैं, ये भी स्थिति बनती है। देखो दूसरी स्थिति, कुछ मल्टीपल रेखाएँ हैं यहाँ पर, ये ऐसा एक जाता है, एक तो क्लियर जा रहा है, दूसरा यहाँ पर आके अटका हुआ है। देखिए ये अच्छी रेखा है, धन दौलत के लिए अच्छी है, जीवन में मान सम्मान के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है ना ये प्रथम संतान जो भी आपकी पहली संतान होगी उससे कष्ट को बताता है, ठीक है, प्रथम संतान से आपको कष्ट मिलता है ऐसे लोगों को, ये उस चीज़ को भी बताती है। अब चूंकि अब ये रेखा ये पूरी नहीं है, पूरी होने से कष्ट को बताती है, और यहाँ पे एक चीज़ देखो मैं इसको इंडिकेट करता हूँ दोनों चीज़ जोड़ के, एक तो जब कभी भी यहाँ से रेखा निकल के पैरेलल दो जाने लगे वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे एक वृत्त बन रहा है जीवन रेखा पर, आप देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जीवन रेखा से बिल्कुल अटैच होकर एक वृत्त सा बना, उसके बाद आपकी कुटुंब परिवार की रेखा भी बिखरती हुई दिख रही है, वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको इस रेखा के बारे में बताया। तो देखिए ये संतान के, अभी मैं बोलता कि संतान से कष्ट मिलती है, ठीक है, जब ये वृत्त भी साथ में देखने को मिले ना तो ये संतान का नुकसान को, ये संतान की कोई भी प्रकार की पीड़ा, ये मौत, एक्सीडेंट, इन चीज़ों को बताता है। तो आपने स्वयं इस चीज़ को बताया है कि आपकी बेटी का देहांत आपको देखने को मिला कोरोना पीरियड में, तो ये उसके इंडिकेशन यहाँ पर दिख रहे थे, ठीक है, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ, खैर जो भी है ईश्वर की मर्जी ही है। बाकी हम बात करते हैं मंगल पर्वत पे, देखो मंगल आपके हाथ में, ठीक है चलो इस हाथ में तो मंगल पे मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, ज़्यादा बुराई मंगल पे नहीं है, एक चीज़ है मंगल ने इस यहाँ पे एक मार लगाई है, एक रेखा यहाँ पे गई फिर टूटी यहाँ पे, फिर आगे बढ़ी, फिर जाके यहाँ आगे बढ़ी, एक ऐसा समय आपको देखने को मिला होगा लगभग ये 19 के आसपास में, 18-19 का जब एज रहा होगा उस समय आपके साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी जहां पे कुछ इंसल्टिंग मोमेंट होते होते आपका बचा होगा, कोई लव अफेयर, कुछ ऐसा लड़की चक्कर में कुछ तो भी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में, खैर वो जीवन में हर किसी कहानी होती है, एक ऐसी स्थिति यहां पे आपकी बनती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, ये भी मंगल नहीं कराया था आपको। बाकी देखिए आपने एक मुझे फ़ोटो भेजा है अपने लेफ्ट हैंड का, वहाँ पर मैं चर्चा करूँ, बहुत खास है वो। लेफ्ट हैंड पे क्या देखेंगे आप, आपके हाथ में जो मेजर हाईलाइट है यहाँ पे शुक्र का पर्वत देखिए आप, वही शुक्र पूरा जाके चंद्रमा कवर करते हुए चंद्र शुक्र की युति यहाँ पे बनाई है, जो मैंने आपको बताया सास बहू झमेला कराएगा ये जीवन में, और
आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग हैं। यहाँ पे देखो, ये आपको एक शुक्र वाला है, बहुत अच्छी स्थिति, ठीक है, और शुक्र वाला बहुत क्लियर है। जब ऐसा शुक्र वाला देखने को मिलेगा तो ऐसे लोगों का ये निश्चित मान के चलो कोई ना कोई कला पे, कोई ना कोई आर्ट पे अच्छा पकड़ होता है, या तो फिर इनका प्रोफेशन ही आर्ट लाइन से जुड़ा हुआ होता है, या फिर अगर नहीं भी है तो ये कोई ना कोई कला इनको बहुत अच्छे से आती है, जैसे कि कोई सिंगिंग है, अच्छा गाते होंगे, अच्छा कोई चित्रकारी करते होंगे, ऐसा कुछ तो भी आर्ट ऐसे लोगों को हाथ में देखने को मिलता है, ठीक है, ये अच्छी स्थिति है। अगर मान लो ये तो हो गई प्राइमरी चीज़, सेकेंडरी चीज़ ये अपने आप में धन का सूचक है, ऐसे लोग धनी होते हैं, धन दौलत जीवन में भरपूर मात्रा में कमाते हैं, धन दौलत यानी शुक्र का आशीर्वाद, शुक्र की रिंग बनी है, शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो या तो आप या आपकी पत्नी कोई ना कोई ज़बरदस्त कलाकार आपके घर में है, इसका निश्चित रूप से मान के चल लेना, ठीक है, ये इसी स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या था, एक मुझे यहाँ पे तिल दिखा मंगल पे, और यहाँ पे मंगल आपका बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं दिखता है, थुलथुला दिखता है। जब शुक्र इतना तेज हो और मंगल इसे थुलथुला या फिर कोई भी प्रकार से पीड़ित दिखे ना, तो ये आपकी काम वासना को बताता है। ऐसे लोगों के अंदर में काम इच्छा बहुत प्रबल होती है, एक से अनेक स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी हो सकता है ऐसे लोगों का, या मल्टीपल रिलेशन भी बन जाते हैं कभी कभी ऐसे लोगों के। अगर नहीं भी बने, क्योंकि हार्ट लाइन इस हाथ में हार्ट लाइन फिर भी ठीक ठाक है, तो आप कमिटेड हो सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति, लेकिन फिर भी ये क्या कुछ को तो दोष देना अपना है। ये देखो, मंगल जब इस टाइप की स्थिति बनाने लगे ना, तो ये आपकी इच्छा है, काम इच्छा है शुक्र, और मंगल आपको उसका निष्पादन है, मंगल कमज़ोर है, तो इच्छा तो बहुत है, कुछ न कुछ प्रकार से सेक्सुअल डिजीज़ या सेक्सुअल वीकनेस आपके अंदर में भी देखने को मिल सकती है, कोई ना कोई सेक्सुअल परेशानी आपको जीवन में देखने को मिल सकती रही होगी, तो ये जो आपको उस हिसाब से है, ठीक है। चलिए बाकी हम बात करते हैं आपके राइट हैंड पे जाकर, तो वहाँ पे शुक्र वाला एक बहुत अच्छा स्थिति देखने को मिला था, और शुक्र तो बहुत प्रभावशाली था, तो हो सकता है आप या आपकी पत्नी में से कोई एक कला को अच्छा समझता हो, जो मैंने पहले ही कहा। अब हम बात करते हैं आपकी चंद्र पर्वत पर। देखिए, चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ पे बारीक लकीरें बहुत हैं, तो ये चिंता की लकीरें हैं। अभी वर्तमान समय में, वर्तमान परिस्थिति में ये रेखाएं बहुत महीन हैं, तो कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित चल रहे होंगे, आपका कुछ पीड़ा को, मन की बेचैनी को भी ये बताता है। ऐसे समय मन बेचैन होता है, बिना फिजूल की चीज़ों में भी बेचैन होता है, क्योंकि मुझे धन की कमी नहीं दिखती है, धन की कमी मुझे नहीं दिखती है, तो कोई ना कोई चीज़ों को लेकर, ये इमोशनल चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हार्ट लाइन बहुत ख़राब है और मन बेचैन अगर है तो केवल इमोशनल चीज़ों को लेकर आपका मन बेचैन है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। बाकी चंद्रमा बहुत अच्छी कंडीशन में, यहाँ भी चंद्रमा नीचे ढाल की तरफ जा रहा है, एक और स्थिति यहाँ पर बन रही, देखिए ये अच्छी स्थिति है। जब चंद्रमा ऐसी नीचे की तरफ लटकने लग जाए, देखो चंद्रमा नीचे की तरफ लटक रही है इनकी, और इस पर ये ऐसी बने, तो ऐसे लोग टैरो रीडर या फिर कोई भी, मैं टैरो बोल रहा हूँ, वास्तु, टैरो, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, ये जो जितने भी अकल्ट साइंस की चीज़ें हैं उनमें ऐसे लोग अच्छा जानते हैं, अच्छा समझते हैं उसको ऐसे लोग, या हो सकता है आप ज्योतिषी भी हो, जो कि अब मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा, शुक्र बुद्ध जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हैं आपके पास में, तो ऐसा नहीं है मैं कि आपको मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ ऐसे लोगों का। आप देखो, मान लो आप ज्योतिष नहीं हो, तो हो सकता है आप बिजनेसमैन भी होगे ना, तो आपको ये जो इंट्यूशन है आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा असर देता होगा, आप जान जाते होंगे, आपकी बोली हुई बात लग जाती होगी, आप जैसा सोचते होंगे, आपको इमेजिन आता होगा, वैसा हो जाता होगा, ये जो चीज़ें इनके साथ में हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा ज्योतिष ही है, ऐसा नहीं समझना है, लेकिन लक्षण तो आपके में जो सिम्टम्स हैं ज्योतिष बनने के अच्छे हैं, अगर आप कोशिश करते तो शायद अच्छा बन सकते थे, ठीक है। चलिए, बाकी शुक्र जब इतना प्रभावशाली हो ना, तो ऐसे लोगों को अकल्ट साइंस ज़्यादा खींचता है, कहने का मतलब तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीज़ें हैं, पूजा पाठ भी करेंगे तो तंत्र मंत्र और जो ये जो चीज़ें हैं, गुप्त विद्या, ये सब में बहुत भयंकर इंटरेस्ट इनको होता है, बहुत जानने की कोशिश करते हैं इन लोग, चीज़ों को बहुत समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक को, तो वो चीज़ें भी इनके अंदर में जागती हैं, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु है, तंत्र मंत्र का ज्ञाता था, इसीलिए उनके अंदर में ये एबिलिटी आती है, ठीक है। बाकी अच्छे ढंग से पहन के ओढ़ के रहना, अच्छे से दूसरे के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, डैशिंग पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ों को शुक्र बताता है, ठीक है। ये ऐसे लोगों का चॉइस बहुत अच्छा होता है, हटकर लोगों से चॉइस करते हैं, बहुत सुंदर कलर, बहुत सुंदर चीज़ें, बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को दिखाना, ये सारी चीज़ें शुक्र कराता है ऐसे लोगों का। देखिए, जीवन रेखा से जुड़े कुछ बिंदु बात कर लें,
देखिए अगर मैं कहूँ तो 25 के एज में तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करना चालू किया, मतलब आपका भाग्योदय चालू हुआ 25 के एज में, ठीक है ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये शैडो बन रही है यहाँ पे, यहाँ तक शैडो है। ये शैडो क्या करती है, आपका जो असल भाग्योदय है, आप 28 के एज के बाद से आपका भाग्योदय हुआ ये मान के चलो, आप 28 के बाद में आप जो है अपनी पारिवारिक जवाबदारियों से, ये देखो पारिवारिक जवाबदारियों को भी बताता है, ये मातृरेखा है तो ये पितृरेखा है, माता पिता के बंधन में, चाहे कोई भी प्रकार का बंधन हो, उनकी मजबूरियां हो, उनके जवाबदारियां हो, उनको झेलते 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 आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाया, या विवेक होते हुए भी आपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन 28 साल जैसे आपका हुआ, फिर आपने अपने विवेक का इस्तेमाल भरपूर रूप से किया और 29वें साल में आपने विवाह कर लिया, और विवाह के बाद से आपके जीवन में तरक्कियां देखने को मिलने लगी। अब देखिए इसमें ये मान लेते हैं आपका 25वां साल, तो देखिए मुझे लगता है कि 24-25 के आसपास के एज में एक परेशानी आपके जीवन में आई होगी, एक आपको ये देखो ये परेशानी ना इमोशनल परेशानी लगती है, एक यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है मुझे 24-25 के आज के आसपास में, वहाँ कुछ इमोशनल आपकी घटना घटी जिसके कारण से आप परेशान रहे होंगे, और उसके बाद में 29वां साल में आपने विवाह कर लिया, एक अटैचमेंट लाइन जारी है, और 30वां साल में यानी उसी साल में 29वां में विवाह किया जिस साल में, उसी के 6 महीना इन बिटवीन आपको एक अच्छा प्रोग्रेस मिला। तो जैसे ही आपका विवाह हुआ, लक्ष्मी घर आई, लक्ष्मी आपको फलित हुई क्योंकि शुक्र अच्छा था, तो वहाँ से आपको लाभ मिला, ये स्थिति आपकी बनी ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए जीवन रेखा पे कुछ एज मैं आपको बताते चलता हूँ, 30 के बाद 33 साल प्रोग्रेस, 33 के बाद में 35वां साल में आपको एक नुकसान हुआ, कुछ मेजर कुछ नुकसान हुआ कुछ, यहाँ पे भी 35वां साल में आपको इम्पैक्ट पड़ा, मेंटल इम्पैक्ट इमोशनल इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम रहा होगा जिसमें इमोशनली आपको हर्ट किया होगा 35-36 के आसपास ठीक है। उसके बाद में 38वां साल में भी आपको एक नुकसान हुआ, वो भी एक आपको कुछ मेजर परेशानी आई होगी, धन का भी नुकसान मुझे 38वां साल में दिखता है ठीक है, 38वां साल में एक धन से संबंधित कुछ नुकसान आपको हुआ होगा। 38वां साल में अगर आप देखें तो यहाँ तो कटा ही कटा, और यहाँ पे भी जाके 38वां साल में भाग्य रेखा भी कटी आपकी, तो धन से संबंधित कुछ नुकसान आपको देखने को मिला होगा ठीक है। 30, 33, 35, 38 के बाद में ये यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको मिला, लगभग आपको 38 और मान लो 41-42 के एज के आसपास में ठीक है, 41-42 का एज, 42 ही पकड़ो आप, 42 का एज में आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिला, ये प्रोग्रेस आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रोग्रेस रहा होगा मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद में 42 के बाद से, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएँ यहाँ पे, तो 42 से लेकर आपका पूरा पूरा 48 तक का पीरियड बहुत अच्छा गया ये मान के चल लो आप ठीक है। 42 और 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 तक पकड़ लो आप, 42 से 50 तक का पीरियड मोटा मोटी आपको अच्छा गुजर गया, ये पूरा यहाँ पे आप इसको इंक्लूड कर लो, यहाँ तक कोई बाधा रेखा नहीं, अच्छी रेखा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसको क्लियर, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अब ये देखो आप, ये 42 हो गया, 42 के बाद से ये रेखा यहाँ पे गई, एक रेखा यहाँ पे गई, तो दो पैरेलल रेखाएं भाग्य रेखाएं चल रही हैं 50 तक, तो 42 से 50 का पीरियड आपका गोल्डन पीरियड रहा। मैंने पहले ही अंगूठे पर देख के कहा था कि 42 तक ब्रेक लगा के जो रखा आपको भाग्य ने, और 42 के बाद रिलीज़ हुए आप दोहरी रफ्तार से दौड़े, ये दोहरा रफ्तार आपका यहाँ पे भी इंडिकेट हो रहा है ठीक है। तो 42 के बाद से 50 तक बहुत अच्छा आपका चला, 50 के बाद भी चीज़ें ऐसा नहीं कि ख़राब चलें, 50 के बाद भी आपकी भाग्य रेखाएं पैरेलल चल रही हैं, कोई भी प्रकार का रेंटेड इनकम, कोई भी प्रकार का डबल, कोई ना कोई सोर्स आपको, मल्टीपल इनकम का भी सोर्स आपको यहां पे भी मल्टीपल इनकम के सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे भी रेखाएं हैं, तो कोई ना कोई रेंटेड इनकम या किसी दुकान से या कोई भी सोर्स है आपका, वहाँ से आपको 2-3 सोर्स हो सकते हैं अर्निंग के, वहाँ से आपको इनकम अभी बराबर रूप से बने हुए हैं, और अप टू एंड आपका धन के मामले में परेशानी नहीं आएगा ठीक है। तो देखिए ये आपको एक यहाँ पे टूट लगा है, ये जो टूट है ना, ये आपका एज इसको क्या पकड़ लिया जाए, 42 और 46, ये देखिए यहाँ से पकड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये लगभग 51-52 का एज आ रहा है, 51-52 के एज में कुछ परेशानी आपके जीवन में आई है, इसने आपको
आपके जीवन को एक नई मोड़ पर ला कर खड़ा किया इस परेशानी ने, क्योंकि जीवन रेखा में बदलाव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके सोच में परिवर्तन आया है, ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 51 के आसपास से यहाँ से बदलाव आपको देखने को मिला है। तो फिर भी एक बदलाव भरा नया जीवन आपको चला, जो काफ़ी बदलाव लेके चला। अब यहाँ से आप देखेंगे, एक प्रोग्रेशन यहाँ पे है, एक प्रोग्रेशन यहाँ पे है, और ये भी प्रोग्रेस ही मिला होगा। ये जो बदलाव है ना, बदलाव भी प्रोग्रेस से भरा हुआ बदलाव हुआ होगा। कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिला, वो बदलाव आपके लिए अच्छा, 50 के आसपास के भी आपको प्रॉफिट हुआ, लेकिन वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी आई हैं, और वो परेशानियाँ आपको अच्छा ही अच्छे के लिए ही आई, ऐसा समझ सकते हो आप, ये भी मैं बोल रहा हूँ, या फिर दोनों चीज़ें पैरेलल आई होंगी। देखिए 57-58 के एज में भी एक प्रोग्रेस मिला, और उसके बाद में एक यही प्रोग्रेस आपके लिए अच्छा ही है। 58 के बाद से 58 और 4-5, ये 63 के अराउंड में भी आपको एक अच्छा ही पीरियड गया आपको धन संबंधी मामले में, और फिर 65 के अराउंड में ये जो वृत्त आपके जीवन में टच कर रहा था, जो आपको परेशानी दिया संतान से संबंधित मैटर पे, ठीक है, उसके बाद से आपकी आयु की रेखा ये थोड़ी सी बिखर गई है। तो देखिए अभी आप 67 के एज में हैं, थोड़ा हेल्थ को ध्यान देखना है, और हार्ट से संबंधित चीज़ों में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। मतलब कि हो सकता है आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान करे, ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि जीवन रेखा मजबूत स्थिति में नहीं है, चाहे इस शाखे में चाहे इस शाखे में, कोई भी शाखे में नहीं है। तो जब जीवन रेखा कमज़ोर पड़ जाए और ऐसी हार्ट लाइन ऐसी डैमेज होकर चले, तो हृदय से संबंधित बीमारियों का लक्षण यहाँ पे सूचित होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो संयमित खान पान अपना यूज करें, हृदय डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये परेशानी, छोटी सी भी परेशानी आपको बड़ी रूप दिखा सकती है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। ठीक है, जीवन रेखा का बिखराव अच्छी स्थिति नहीं होती है, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है। तो अपने हृदय से संबंधित चीज़ों पे ध्यान रखें, बीपी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखें, खान पान सही रखें, और शुगर से भी संबंधित, छोटा ये रेखा है, शुगर से भी संबंधित चीज़ें यहाँ पे सता सकती हैं। ठीक है, बाकी आपने कोई प्रश्न किया नहीं है, फिर भी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करते हुए चला है। तो कुछ रेखाएँ अभी कंडीशन में भाग्य रेखा पे भी बता दूँ जाते जाते। देखिए मेजर कट में बताता हूँ, ये 38 के एज में आपको एक मेजर धन का नुकसान हुआ। ठीक है, 38 से अगर हम बात कर लें, 33 और 31, ये 28 के एज के अराउंड में भी यहाँ पे आपको धन का नुकसान हुआ। ठीक है, 28 के बाद में, अभी ये बहुत छोटी छोटी महीन सी लकीरें हैं, जो उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। बाकी हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए, आपको एक इंडिकेशन मैं बता दूँ, जो मैं अंगूठे पे भी देख रहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है, आप क्या देखेंगे कि धन की रेखा में फैलाव है, धन की रेखा की क्वालिटी उस कदर नहीं है, बीच बीच में ये फैल रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये फैल रही है, फिर ये फैल रही है। जब ऐसी रेखा चलने लगती है ना, तो ऐसे समय में इंसान का या तो आमदनी कम होता है, या आमदनी अगर अच्छा है तो धन का खर्च बहुत होता है, और ये खर्च आपके में डिपेंडेंट पे बहुत खर्च किया है आपने, अपने परिवार वालों के लिए बहुत खर्च किया होगा, ऐसा कोई भी स्थिति हो सकता है, या बार बार धोखा खाए होंगे, ये भी स्थिति हो सकती कि बार बार धोखा खाए होंगे, बार बार धन कहीं फंस गया होगा, किसी को दिए होंगे वहाँ से वापस नहीं आया होगा, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब आपका जीवन में जो धन है, अगर ठीक ठाक मामले में कहूँ तो, वैसे तो आपके जीवन में धन का अगर मैटर कहा जाए तो लगभग 30 साल के बाद से कुछ स्थिति बहुत सही हो गई थी, लेकिन फिर भी आवागमन जो संचय की स्थिति है वो बराबर नहीं चल रही थी। 30 के बाद से जैसे आपने 35-36 का एज क्रॉस किया है, आपके जीवन में संचय अच्छा होने लगा, और फिर 38 में आपने एक नुकसान झेला, फिर 38 के बाद में जो नुकसान झेला, उस नुकसान को आपको संभालने में काफ़ी समय लगा होगा। 38 से 42 का जो पीरियड आपने बिताया है, ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल भरा पीरियड बिताया होगा, ये जो आपको एक डगमगाने वाला समय आया होगा 38 में, उसने आपको हिला के रखा होगा, उसके बाद से आपको संभालने में थोड़ा समय लगा होगा, 2-3 साल का आपको ये थोड़ा कष्ट मिला होगा, या एक क्राइसिस फील किए होंगे आप,
धन के संचय को लेके, लेकिन जैसे आपने 42 आया, फिर ज़बरदस्त रफ्तार से आपने पैसे कमाए 42 से 50, अप टू 42 से अप टू 60 बहुत अच्छा धन आपने कमाया है ये मान के चलो आप, ठीक है। 42 से 58 तक तो अच्छा ही मुझे दिखता है, उसके बाद में फिर आपको धन की स्थिति में कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, आपको धन से संबंधित मसलों पर कुछ चिंता करने की बात नहीं है, आपने काफ़ी ठीक ठाक गुजरेगा आपका बुढ़ापा, ठीक है। बाकी हाँ, इमोशनल चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अभी भी जो मानसिक पीड़ा बेचैनी आपको यहाँ पर महसूस होती है उस पर ध्यान दें। अपने परिवार को ये जो स्थिति यहाँ पर सूर्य पे बन रही है, ये स्थिति ये अच्छी स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था, ये बन रही है तो ये भी थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता से संबंधित चीज़ों में या पारिवारिक चीज़ों में थोड़ा अपने आप को ज़्यादा पिरोएं, ठीक है। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो उन चीज़ों में तो आपको लिए ज़्यादा सही रहेगा अभी। बाकी आपके हाथ का संपूर्ण एनालिसिस ये रहा, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ लगे कि यहाँ पे चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन हुई या कुछ रह गया या कुछ इस वीडियो देखने के बाद में आपके मन में क्वेश्चन जनरेट हो तो आप बात कर सकते हैं, वीडियो के बाद में आप फ़ोन कर लीजिएगा। बाकी जो देख रहे हैं, जो व्यूअर हैं, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।